सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो आप लोग भजन करते हैं ना, पूजा पाठ, ये भी सेवा है। भज सेवायाम, धातु से भजन भज शब्द बना है। भज का अर्थ संस्कृत में होता है सेवा। भज धातु, भज सेवायाम धातु से भज भजन शब्द, इसी भज शब्द से भजन शब्द, इसी भज शब्द से भक्ति सेवा, भगवान की सेवा। जो भगवान को अच्छा लगे हम वही करेंगे, वही बोलेंगे, वही सोचेंगे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। अपने स्वामी के अनुकूल रहेंगे, उनके कभी प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, अनुकूल करेंगे। इसी का नाम सेवा है, अनुकूल होने का नाम सेवा है, इसी का नाम भजन है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं, सब कुछ करना भजन है। रोटी बनाना भी भजन, झाड़ू लगाना भी भजन, कपड़े धोना भी भजन, नौकरी करना भी भजन। भजन का मतलब सेवा। तुम लोग रोटी बना रहे हो, सेवा तो कर रहे हो परिवार की, बस एक भाव नहीं है। कर भजन रहे हो लेकिन भजन का भाव नहीं है, बस उसमें भाव जोड़ दो। बस क्या, सबके भीतर मेरे प्रभु है। अरे जब पत्थर की मूर्ति में हम स्थापित कर देते हैं भगवान को, जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो क्या भाव करते हैं? ये भाव थोड़ी करते हैं कि पत्थर की मूर्ति भोग लगाओ, नहीं, ठाकुर जी भोग लगाओ, क्योंकि उनके भीतर हमने भगवान का भाव कर लिया। इसी प्रकार हम पति पुत्र सब परिवार के बीच में भगवत भाव करें, सबके भीतर भगवान, तो इतने रूपों में हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। ऐसा पवित्र भाव करके भोजन बनाओ, परसो, उनके झूठे बर्तन कपड़े धो, यही भाव करो, ये सब मेरे प्रभु हैं। घर में मंदिर वा बनाई बे, देखो जी हम मंदिर ना जाई बे, घर को ही मंदिर बना दो। कहा पति व्रता नारी क्या करती है, मेरा पति कौन है? परमेश्वर है, भगवान है, बस। अब वो जो भी कुछ कर रही है सब भक्ति कर रही है, पति के लिए भोजन बना रही है, चाहे पति के वस्त्र धो रही है, कुछ भी कर रही है, वो पति के अनुकूल होकर पति की सेवा कर रही है, और इतने से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति में परमेश्वर की स्थापना कर ली है। इसी प्रकार हम सब जगह परमात्मा की स्थापना करें। कुत्ते को भी रोटी खिलाएं, टुकड़ा डालें, ये भाव करो, इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, हम अपने प्रभु को भोग लगा रहे हैं। तो मंदिर में भोग लगाने का जो महत्व है, वही महत्व कुत्ते को रोटी खिलाने का भी हो जाता है। बस भाव कर लो कि इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं। बस इस भाव को जोड़ करके जो भी तुम कुछ कर रहे हो, सब कुछ भक्ति है।